तुषार, तुम्हें कितनी बार बोला है यहाँ पर एक गीला टॉवल मत रखा करो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि एक बार में। अरे यार, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरा लंच दो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कोई लंच नहीं मिलेगा, खा लेना बाहर से, मैं ही सारे काम करती रहूं घर में बस। अच्छा तो ये बात है ना, ठीक है आज के बाद ना मैं कभी ऑफिस लंच लेके नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ मत लेके जाना, तुम कौन सा एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, खा लेना बाहर से ही तुम। ठीक है जा रहा हूँ मैं ऑफिस। हाँ जाओ। भैया। हाँ बोलो। भैया देखिए तो सही, आपके लिए फूल लेकर आई हूँ मैं। क्या पागल हो गई है क्या तू? अरे मैं नहीं दे रही हूँ, मैं क्यों दूंगी भला, ये तो भाभी ने आपके लिए भिजवाया है। क्या ये फूल तुम्हारी भाभी ने भेजा है मेरे लिए? हाँ हाँ भैया, और उन्होंने ना आपको बालकनी में भी बुलाया है, ये लीजिए। अच्छा ठीक है। भाभी जी ये लीजिए आपके लिए। अरे आज रोज डे है क्या जो तुम मेरे लिए रोज लेकर आई है? क्या बात है भाई, इतना प्यार किस लिए? अरे भाभी जी मैं आपको फूल क्यों दूंगी, अगर मुझे फूल देना ही होगा तो मैं अपने पति को नहीं दूंगी, उनसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं। खैर ये फूल तो आपके पति देव ने भिजवाया है आपके लिए। क्या तुषार ने? ये रोज तुषार ने भिजवाया है? हाँ जी, और वो आपको बालकनी में बुला भी रहे हैं, ये लीजिए। आज फिर मुझ पे प्यार आया है। हाँ बोलो, क्यों बुलाया है मुझे? सामने से सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? ओ हेलो, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया, और तुम्हारे बस की नहीं है क्या सॉरी बोलना? तो फिर मुझे ये रोज क्यों दिया तुमने? अरे मैंने नहीं दिया ये फूल। तो फिर सीमा, ये सब तुमने किया है? चुप क्यों खड़ी हो, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? हाँ किया है मैंने, और अगर ये नहीं करती तो भैया मैं क्या करती, हर टाइम सुबह शाम दिन रात चिक 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 चिक, दिमाग खराब हो गया था मेरा ये सब सुनकर। भाभी हर टाइम आप लोग लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, कितना टाइम हो गया भैया आप लोगों की शादी को, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अब तक नहीं समझ पाए हो। और आप दोनों ने कभी ये सोचा है कि आगे चलकर जब आप दोनों के बाल बच्चे होंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पर, आप लोगों की लड़ाइयों से वो क्या सीखेंगे और क्या ही सोचेंगे फिर आप लोगों के बारे में। और ये सब तो छोड़ो भाभी, आप एक बात बताओ, जब भी भैया से आपकी लड़ाई होती है आप बात तो करती नहीं हो, उल्टा मुंह फुला के बैठ जाती हो, ना कि उस समस्या का समाधान निकालती हो। और तो और भैया को भी छोड़ो, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है आप खुद ही मेरे ऊपर इतना चिल्ला लेती हो, और फिर मुंह बनाकर भी बैठ जाती हो, मुझसे तक बात नहीं करती हो आप। भाभी आप ही बताइए, आपकी ये आदत अच्छी थोड़ी है? और भैया आपके सर पे तो हमेशा गुस्सा सवार रहता है, 2400 घंटे पता नहीं कौन सा नाक पे गुस्सा रखा रहता है, कोई भी बात ढंग से आपको करनी नहीं होती है, हमेशा भाभी से जब भी बात करते हो या तो टोंट मारते हो या फिर चिल्ला के बात करते हो। भैया ऐसे घर गृहस्थी और परिवार नहीं चलता, अगर आपको पता है कि आपको किसी टाइम ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिर जरूरी थोड़ी है भाभी से कुछ बोलना, उस टाइम आप शांत भी तो बैठ सकते हो, मत बोलो किसी से कुछ भी। भैया आपको एक बात पता है, गुस्से में ना इंसान का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन गुस्से में आकर वो गलत सलत कुछ भी बोल देता है और बाद में उस चीज का हमें पछतावा होता है। मैं ये जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हो, लेकिन जितना आप झगड़ा करते हो ना उससे ज्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो। भाभी आपको पता है, अगर अपनों में माफी मांगने से छोटा होता है इंसान तो फिर कभी माफी नहीं मांगता ना, अगर आप लोगों से गलती होती है या फिर किसी भी कारणवश आपकी बातें बंद हो भी जाती है तो आप में से कोई एक गलती मानकर माफी मांग भी तो सकता है ना, ऐसे माफी मांगने से कोई इंसान घिस थोड़ी जाता है, रिश्ते चलाने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। और भैया मैंने ये देखा है आप दोनों को जब एक दूसरे पर प्यार आता है तो आप आई लव यू बोल देते हो,
लेकिन जब लड़ाई हो जाती है और गुस्सा हो जाते हो एक दूसरे से, सामने वाला नहीं मान रहा होता है, तो माफी भी तो मांग सकते हो। क्या ही समस्या है सॉरी बोलने में? आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, सॉरी बोलना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या तकलीफ होती है सॉरी बोलने में। और अगर एक छोटे से शब्द को बोलने से आपका रिश्ता बचता है, आपका रिश्ता मजबूत होता है, तो आप लोग रिश्ता बचाते क्यों नहीं है? माफी मांग क्यों नहीं लेते? और भाभी आपको पता है कि जब भी आप लोगों की लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, गलती दोनों तरफ से होती है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों हाथों से बजती है। आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं तो दोनों की गलतियों की वजह से होते हैं, किसी अकेले के इंसान के ऊपर आप गलती नहीं डाल सकते। सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी गीला टॉवल बेड पे नहीं रखूंगा। और मैं गुस्से में बोल देती हूँ कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती कभी। तुम्हें पता है सुबह का लंच तुम्हारा अभी तक रखा हुआ है किचन में। I love you. I love you too.